सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले कि कैसे आप वर्डप्रेस पे अपना अपना न्यू यूजर को कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, जो भी अपना कंटेंट राइटर, सॉरी। तो आज हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस पे कैसे हम लोग वो सब ऐड करते हैं यूजर को। तो चलिए चलते हैं वर्डप्रेस के स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यही हमारा जो वेबसाइट है जो कि ऑटोमोटिव कार इंडिया डॉट कॉम है, जिसमें हम लोग आज एक नया यूजर को ऐड करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ चले जाना है, डैशबोर्ड पे चले जाना है, और फिर यहाँ पर आप लोग देखिए ये वर्डप्रेस ओपन हो गया है, वेलकम टू वर्डप्रेस। और इसमें आप लोग को नीचे जाना है, यहाँ देखो यहाँ आप लोग को मिल जाएगा यूजर, यहाँ ऑल यूजर, एड न्यू यूजर। तो यहाँ पर आप लोग एक बार यूजर पे चले जाओ, फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर दो यूजर एडेड है, एक और यूजर ऐड करेंगे आज हम लोग। तो बताते हैं आप लोग कैसे ऐड करना है। इसमें सिंपल आप लोग को यहाँ पर बटन दिख जाएगा ऐड न्यू यूजर का, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पर सारा कुछ नाम डालना है, ईमेल डालना है उस पर्सन का, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट का अपना नाम डाल देना है, लैंग्वेज डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड आप लोग सेट कर देना है, जो कि पासवर्ड आप लोग उसको शेयर करेंगे तो वर्डप्रेस में इस पासवर्ड के थ्रू वो लॉगिन करेगा और आपका वेबसाइट के ऊपर जो भी आप उनका असाइन करेंगे वर्क, वो वर्क आपका कर सकता है। तो चलिए आप लोग को ऐड करके एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर यूजर आईडी आप लोग को ऐसा जनरेट करना है जो कि आप उसको शेयर कर सके, यूनिक हो। तो मैं एक यूजर आईडी बना लेता हूँ, जैसे मैं सुमित बना लेता हूँ यूजर आईडी, Sumit123, ये सही है। फिर हम लोग यहाँ एक ईमेल आईडी डाल देंगे, फिर हम लोग यहाँ पर नाम डाल देंगे, फिर यहाँ वेबसाइट का अपना नाम डाल देंगे जो कि है automotivecarindia.com, सिंपल। फिर यहाँ लैंग्वेज यहाँ पर डिफॉल्ट रहने देंगे जो भी साइट का लैंग्वेज है, यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। तो पासवर्ड यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, इसका कुछ इजी पासवर्ड रखते हैं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो लॉगिन करने में। हाइड कर लेते हैं पासवर्ड अपना। पासवर्ड वीक बता रहा है, पर एक बार हम लोग देख लेते हैं पासवर्ड क्या है, फिर आप लोगों को बताते हैं आगे, क्योंकि पासवर्ड याद भी करना पड़ता है। यहाँ पर पासवर्ड वीक बता रहा है, पर यहाँ पर हम लोग वीक पासवर्ड है तो कोई बात नहीं, हम लोग पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो ऐड करने यूजर, उसका क्या रोल है, तो यहाँ पर रोल हम लोग डाल देते हैं एडिटर, एडिटर डाल देते हैं, ऑथर नहीं है, एडिटर ही डाल देते हैं, ऑथर क्या, एडिटर डाल देते हैं इसमें भी। और यहाँ से यूजर को ऐड कर देते हैं न्यू यूजर, जो भी आप कंट्रीब्यूटर होता है, सब्सक्राइबर, जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ एडिटर ही चूज कर लेता हूँ, या ऑथर चूज कर लो, ऑथर यूज कर चूज कर लेता हूँ। एडिटर रहने देता हूँ, एडिटर एडिटर सही है। तो यहाँ से ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एकदम सिंपल यहाँ पर सारा कुछ ऐड हो चुका है। यहाँ पासवर्ड को सेव भी कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम लॉगिन में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आप लोग को लॉगिन करेंगे वो आईडी से जो न्यू अकाउंट में, तो यहाँ पर उसका फोटो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस पर्सन का फोटो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसे ही वो जब लॉगिन करेगा उस ईमेल आईडी को यूज करके, तो इसका भी पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ यूजर ऐड हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, यहाँ से लिंक भी सेंड कर सकते हैं आप लोग, सेंड रिसेट लिंक आप लोग यूज कर सकते हो, यूजर का नाम उन सब कुछ एडिट भी कर सकते हो यहाँ से आप लोग। यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्डिंग चला गया, और यहाँ से आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है, व्यूज का ऑप्शन है, सारा कुछ का ऑप्शन है, आप यहाँ से व्यूज कर सकते हैं। सारा कुछ बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ ऑथर दे सकते हो, ऑथर इसमें डाले थे, ऑथर के नाम से ईशान मुखर्जी के नाम से यहाँ पर आ गया एक,
और अपना डालेंगे तो अपना अभी नहीं आया है, तो अभी नहीं आएगा। इस नाम से अभी तक कोई आर्टिकल नहीं हुआ, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं। ऑथर सुमित कुमार के नाम से कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पर ऑटोमोटिव कार इंडिया पे बहुत सारा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारा आएगा। दिखाते हैं व्यू, यहाँ पर व्यूज पे क्लिक करें तो यहाँ देखना आएगा, यहाँ पर सारा बहुत सारा आर्टिकल डाला हुआ ऑथर से, तो यहाँ पर आ गया बहुत सारा। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। और यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट करने का। जैसे कि देखो यहाँ पर ऑथर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सान मुखर्जी हो गया, ऑटोमोटिव कारण इसमें। ये अभी वो लॉगिन करेगा तो वो भी ऑप्शन आ जाने, यहाँ पर सिर्फ सॉरी यहाँ से ये करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, अभी देखो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ये सेम वेबसाइट का ही लॉगिन खुला हुआ, तो देख सकते हो ऊपर में। फिर मैं उसको रिफ्रेश करूंगा, देखना आ जाएगा। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर लिया, अभी देखो यहाँ पर तीन नाम आ जाएगा, देखो आ गया सुमित कुमार। काफी इजी है, यहाँ पर नाम आ गया। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके पोस्ट करूंगा, जो भी आर्टिकल जिसका भी नाम रहेगा उसके नाम पे वो चला जाएगा। इसमें काफी इजी प्रोसेस है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो आज के वीडियो में आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे आप लोग वर्डप्रेस में आप लोग यूजर पे अपना न्यू यूजर का नाम ऐड कर सकते हैं, ऑथर का, रीडर का रोल भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट करके आप लोग प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। चलो बाय।